हाय फ्रेंड्स, मैं अभी पटना साइकिल स्टोर गोपालगंज में हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ विष्णु शुगर मिल के पास, जहाँ का कैंटीन बहुत ही फेमस है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हरखुआ रेलवे ढाला के पास आ गया हूँ, जो मेरे दाहिने साइड में विष्णु शुगर मिल दिख रहा है। तो चलिए मैं इसको पास से दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैं विष्णु शुगर मिल के पास आ गया हूँ। अब आपको यहाँ का फेमस कैंटीन का जलेबी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दुकान के पास आ गया हूँ और देखिए यहाँ का जलेबी, देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, कितना अच्छा, उतना ही अच्छा खाने में भी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो खाइए, आइए मेरे गोपालगंज में और बताइए कमेंट में कि आप लोग को कैसा लगता है जलेबी। तो चलिए इसको बनाने का विधि भी तरीका भी दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अंकल जी अभी से जलेबी का रूप दे रहे हैं गरम तेल में। देखिए कैसे इसका शेप दिया जाता है, इसका आकार कैसे दिया जाता है। इतना करने के बाद इसे 5 से 10 मिनट तक गर्म तेल में छोड़ा जाता है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और इतना ही अच्छा खाने में भी लगता है। फ्रेंड्स, आप लोग के यहाँ भी किसी प्रकार का मिठाई या फास्ट फूड फेमस हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं वहाँ पे आके वहाँ का वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, अब इसको चीनी के रस में डाला जाएगा। अंकल जी देखिए इसको कैसे डाल रहे हैं चीनी के रस में। अब इसको निकाला जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। अब ये खाने के लिए तैयार हो गया। देखिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट स्वीट जलेबी आपके सामने तैयार है। अगर आप लोग भी खाए होंगे अगर ऐसा जलेबी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, ये कैंटीन का जलेबी के नाम से फेमस है, इसे लोग कैंटीन का जलेबी बोलते हैं। जलेबी फ्रेंड्स बनता है तो देखने में कितना अच्छा लगता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, इतना ही अच्छा खाने में भी लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ जलेबी के अलावा पौड़किया और खुरमा भी मिलता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, खुरमा भी बहुत अच्छा यहाँ का मिलता है हमारे बिहार में।